नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, सतर्क रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा शारीरिक दूरी बनाए रखें। बकाया वेतन की मांग पर ईसीएल के ठेका श्रमिकों ने सोमवार को ईसीएल के मुख्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बारवनी के भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। आसनसोल में भव्य जुलूस के साथ तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन किया। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, सतर्क रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा शारीरिक दूरी बनाए रखें। भारत ने रविवार को 1 लाख से अधिक कोविड-19 मामलों का पता लगाया है, जो देश में महामारी की शुरुआत से दर्ज की गई सबसे अधिक दैनिक वृद्धि है। पिछले वर्ष 16 सितंबर को 97,894 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद भारत के मामले फिसलने लगे। रविवार को भारत में गिने गए 1,03,558 मामलों में से 57,700 से अधिक संक्रमण महाराष्ट्र से सामने आए। राज्य सरकार ने बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रात्रि कर्फ्यू, सप्ताहांत लॉकडाउन और दिन के निषेध सहित नए प्रतिबंधों की एक नई निहत जारी की है। चेन को तोड़ो प्रतिबंध सोमवार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू किए जाएंगे। राज्य के दो सबसे खराब शहरों पुणे और मुंबई में रविवार को क्रमशः 12,472 और 11,206 मामलों का पता चला। इसी बीच दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए, जबकि छत्तीसगढ़ ने दूसरे दिन 5,000 से अधिक मामले दर्ज किए। देश में अब 7.4 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। रविवार को हुई 478 मौतों में से 212 महाराष्ट्र से थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड स्पेशल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में खराबी आ जाने के कारण रविवार शाम उक्त ट्रेन बराकर स्टेशन से थोड़ी दूर पर लगभग 2 घंटे तक खड़ी रही। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त ट्रेन धनबाद से हावड़ा के लिए सही समय पर खुली और बराकर स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जैसे खुली ईस्ट कैबिन के निकट इंजन में खराबी आ गई। ट्रेन चालक ने ठीक करने का प्रयास किया, किंतु असफल होने पर आसनसोल DRM ऑफिस में सूचना दी गई, जहां लगभग 2 घंटे 25 मिनट के बाद दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन खुली। भीषण गर्मी में ट्रेन यात्री को काफी परेशानी हुई। इंजन फेल होने के कारण वर्धमान हटिया पैसेंजर शताब्दी ट्रेन सहित अन्य ट्रेन भी विलंब होने की सूचना है। बकाया वेतन की मांग पर ईसीएल के ठेका श्रमिकों ने सोमवार को ईसीएल के मुख्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बाद में इसे लेकर GM सिविल अभय कुमार, GM P&IR PK श्रीवास्तव के साथ श्रमिक प्रतिनिधियों BMS के जयनाथ चौबे, भाजपा के अभिजीत आचार्य के साथ हुई बैठक में समस्या को लेकर ECL के CMD को आवेदन देने को कहा गया, ताकि छोटी छोटी निविदाओं के जरिए इनके रोजगार की समस्या और पेयजल आपूर्ति की समस्या का निदान हो सके। इसके लिए 15 दिनों का समय मांगा गया। बकाया रकम के भुगतान के लिए पुराने ठेकेदार पर FIR दर्ज करने की सहमति जताई गई। उल्लेखनीय है कि वेतन की मांग को लेकर गुस्साए ठेका श्रमिकों के कार्य बंद कर देने से इलाके में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। डीसरगढ़ नदी घाट, सांग तोड़िया, झाल बगान और सांग तोड़िया अस्पताल तक में पेयजल की समस्या गहरा गई है। मिली जानकारी के अनुसार ECL के तहत ठेका के तहत बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, माली साफ सफाई आदि विभिन्न तरह के कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों को विगत 2-3 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण करीब 60 परिवार भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। इनमें कोई 10 वर्षों से तो कोई 20 वर्षों से या उससे भी अधिक समय से काम करता आ रहा है। आइए अब हम जाने कि कर्मचारी क्या कह रहे हैं।
আমাদের পেট চলছে নাই দু মাস থেকে আর কার না বেতন পাচ্ছে নাই আমাদের বস করা হচ্ছে যে আমি সবালে চাল চলন খেলা করছে না সব আপনারা কাজ করতেন না আপনার স্বামী হ্যাঁ আমরা কাজ করছি আমাদের বিল পাচ্ছে নাই আমাদের ছেলেদিকে বসাই দিয়া হচ্ছে কেন হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে বিধান নদীর থেকে কাজ করছি আমরা কতদিন ধরে বেতন পাননি আপনি আমরা দু মাস থেকে বেতন পাই না 40টা ছেলেকে বসা হয়েছে কিনে কত পেতেন মাসে মাসে আমরা 13000 টাকা পাই ঠিকাদার রসন ঝা জিএম সিভিল এনেছিল জিএম সিভিলের চামচা ও ঠিকাদার তো রসন কুমার ঝা জিএম সিভিল অনেক পয়সা খাইয়ে নিয়েছে অনেক পয়সা খাওয়ার পর আমাদের আজ আমাদের এই দুর্গতি আমাদের আজ মেয়ে ছেলে খাইতে পাচ্ছি নাই আমরা 3 মাস ধরে বেতন পাচ্ছি নাই আমাদের দোকানে ধার দিচ্ছি না আমরা খাইতে পাচ্ছি নাই আমরা টায়ার এনেছিলাম আমরা আগুন জ্বলাইতাম আমরা জিএম সিভিলকে মারব তবে আমরা ঘর ঢুকব জিএম সিভিল এখান থেকে চলে যাক জিএম সিভিলকে এখান থেকে আমরা হাঁটাবো তারপর আমরা বাঁচবো জিএম সিভিলের বাবার জায়গা লয় আমাদের বাপ ঠাকুর দাদার জায়গা আমাদের অফিস আমাদের কাছারি আর জিএম সিভিল কি মনে করে জিএম সিভিল ডিপি সিএমডি চামচাগিরি করছে জিএম সিভিল কি মনে করে আচ্ছা আপনার কি কাজ করতেন আমরা ঠিকাদারি মজদুরে কাজ করি আমরা জল পাম্প চালাই আমরা ইলেকট্রিশিয়ানে কাজ করছি আমরা মালিতে কাজ করছি কুকুর বললে আমাদের লেবাররা কুকুর পরিষ্কার করছে সিএমডি বাংলায় ডিপি বাংলায় ল্যাট্রিন বাথরুম করছে আমাদের লেবাররা আমরা সব কাজ করি কতদিন ধরে কাজ করছেন আমি আজ 32 বছর চাকরি করছি আজ 32 বছরের দুঃখ পেলাম আমরা 3 মাস বেতন পাই নাই তার কারণ এই জিএম সিভিল আপনার নাম আমার নাম চিন্ময় মুখার্জি আমি আইয়ে আব হাম জানে কি বিজেপি কে স্থানীয় নেতা ক্যা কহতে হ্যায় হম লোগ কা জো কন্ট্রাক্টুয়াল লেবার হ্যায় तो 60 परिवार आज 2 महीना से ईसीएल का नेग्लिजेंसी के चलते 60 को परिवार भूखा 2 महीना से बैठा हुआ है तो हम लोग बार बार ईसीएल से बैठे की हुआ और बार बार प्रयास हुआ लेकिन ईसीएल उदासीन रहने से ये परिवार को एकदम भूखा मर रहा था तो आज हम लोग पूरा सीएमडी ऑफिस बंद कर दिए पर्सनल ऑफिस बंद कर दिए जितना भी ईसीएल का यहाँ ऑफिस था टोटल हम लोग आज बंद कर दिए तो अभी मीटिंग चल रहा है और इसके बाद हम लोग डायरेक्टर साहब भी आ रहे हैं मीटिंग में तो आज जब तक कंक्लूशन नहीं निकलेगा ये बंद हम लोग का चलता रहेगा ये लोग क्या काम करते थे ईसीएल में सब कोई वाल्वमैन है कोई इलेक्ट्रिशियन है कोई आपका स्वीपर है कोई आपका बंगलों में हेल्पर का काम करता है कोई माली है बहुत तरह का काम कितना वेतन मिलता था इनको इन लोग का जो मिनिमम वेजेस है 662 रुपया इन लोग को मिलता है पर डे ये ठेकेदार कौन थे इनके इनका ठेकेदार एक रांची का है रोशन झा नाम है उनका और हमारे जीएम साहब के मित्र है जो जीएम सिविल है तो उन्हीं के बात पे वो चल रहे हैं और लेबर लोग को तनख्वाह बंद कर दिया आज 2 महीना से वजह क्या बोले वजह कुछ नहीं वजह बोल रहा कुछ हम लोग के साथ बैठ भी नहीं रहा कोई वजह भी नहीं बता रहा और इसीएल अचानक इन लोग को बंद विदाउट नोटिस में इन लोग का काम बंद कर दिया जो भी आरएलसी का गाइडलाइन है आप 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा विदाउट नोटिस इन लोग को काम से बैठा दिया इनके काम बंद करने से क्या नुकसान हुआ हुआ क्षेत्र में किसी को पानी नहीं मिल रहा ईसीएल का जो पानी सप्लाई है वो बंद है हमारे यहाँ पूरा जितना गांव है
उसमें पानी का बहुत दिक्कत हो गया है, इमरजेंसी है, वो तो बंद होना चाहिए। तो कौन काम करेगा? काम बंद करा दिया, ईसीएल मैनेजमेंट से पूछिए कि क्यों पानी नहीं मिल रहा। हम लोग पेमेंट नहीं मिल रहा, ये लोग तो बोल रहा काम बंद कर दो। किस किस इलाके में पानी बंद है? सातोड़िया, डीसरगढ़, झालबागान, नदी घाट टोटल बंद है। अस्पताल? अस्पताल भी बंद है। वो तो हम लोग अपना स्तर से पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। आसनसोल उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी, आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पाल, पुलटी से बीजेपी उम्मीदवार अजय पोदार, बारबनी से बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय और जामुरिया से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दिन बीजेपी उम्मीदवार आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर एक एक कर इकट्ठा हुए और बैंड पार्टी के साथ एक रंगीन जुलूस के रूप में घड़ी मोड़ तक गए। आसनसोल अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। पुलटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय पोदार के नामांकन के लिए रैली के रूप में सांगतोड़िया नेपाली धौड़ा स्थित मैदान से निकलने की तैयारी कर रहे कुलटी मंडल एक के भाजपा के महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि कुलटी विधानसभा क्षेत्र से हमारी जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मोदी जी की लहर है। कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि 2 मई दीदी गई। कुलटी अंचल में हमारी तैयारियां जोरों पर हैं। कुलटी विधानसभा से भारी मतों से भाजपा को जीत दिलवानी है, यह हमारा पक्का इरादा और वादा भी है। आने वाले दिनों में कुलटी की जनता मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उम्मीदवार अजय पोदार का हाथ मजबूत करेगी। कुलटी विधानसभा क्षेत्र से निर्वर्तमान विधायक उज्जवल चैटर्जी को 50,000 से अधिक मतों से हरवाएंगे। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान करीब 200 से अधिक मोटरसाइकिलों के साथ रैली करके वे रवाना हुए। और आने वाले दिनों में देखिएगा मोदी जी के नेतृत्व में अजय पोदार जी का हाथ मजबूत कुलटी की जनता करेगी और हम लोग पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बारबनी के भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। सोमवार को बारबनी के बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन जमा किया। उसी दिन अरिजीत रॉय ने कहा कि कोरोना की दर में वृद्धि के कारण श्रमिकों को इकट्ठा होने या इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों पर प्रतिबंध के बावजूद वे मुझे नामांकित करने के लिए आए थे। यह तय है कि बारबनी का फैसला लोगों के हाथों में है। विपक्ष बीजेपी की आंधी को समझ पाएगा जब बारबनी विधानसभा की ईवीएम खोली जाएगी। বিষয় আমার আমার কাছে একটা মানে আবেগের বিষয়। তো কার্যকর্তাদের তো আমি মানা করেছিলাম যে এখন কোভিড সিচুয়েশান, তারপরে আমাদের দলীয়ভাবে বলা হয়েছিল যে খুব বেশি এখানে জমায়েত না করতে। তো তাও যা মানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, কার্যকর্তারা তার বাড়িতে বসে থাকবেন, আমি নমিনেশন করব। তো তাও সবাই চলে এসেছে, তো খুবই ভালো, একসঙ্গে হয়ে হয়ে করে গিয়ে নমিনেশন ফাইল করবো এবং সবারই আশীর্বাদ নিয়ে আগামী 26 তারিখে এখানে ভোট হবে এবং 2রা মে যখন বারাবনের ইভিএম খুলবে দেখবেন মানে কি মানে রেকর্ড পরিমাণে, যেটা অভূতপূর্ব না অকল্পনীয় জয় এখানে আমাদের হবে। সকাল থেকে শুনেছি সকাল থেকে পুজো পাশা করে এখন বেরানো হলো। হ্যাঁ, তো মোটামুটি আমরা তো জানি যে পুরোটাই আশাবাদী, তাও তোমার মুখ থেকে শুনি কতটা আশাবাদী না, জয়ের ব্যবধান কতটা বাড়বে সেটা নিয়ে চিন্তিত। জয় নিয়ে চিন্তিত নয়, জয়ের মার্জিনটা কত হবে। আমি আশা করব যে বারাবনির ইতিহাসে, বারাবনির রাজনৈতিক ইতিহাসে যত এর আগে বিধায়ক ছিল। आसनसोल में भव्य जुलूस के साथ तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन किया। तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी आसनसोल उत्तर से मलय घटक, आसनसोल दक्षिण से शायनी घोष, बारबनी से विधान उपाध्याय, जामुरिया से हरे राम सिंह आज आसनसोल में नामांकन किए। वहीं पांडेश्वर के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में नामांकन किया। पुलटी के उज्जवल चैटर्जी कल पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद मलय घटक ने कहा कि जिले के सभी 9 सीटें टीएमसी जीतेंगी। उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं है। गाने बाजे के साथ हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता जुलूस लेकर गए। इस दौरान वी शिवदासन दासू, अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी, अब्बू करनैन,
পিন্টু গুপ্তা, মোহাম্মদ কামাল, সুজাত হুসেন, গুলাম সরওয়ার, পিন্টু কর্মাকর, সন্টু কর্মাকর, দীপক বেদি আদি মৌজুদ থে। তৃণমূল কংগ্রেস কে উমেদবার বিধান উপাধ্যায় নে হাজারো কার্যকর্তাও ও সমর্থকো কে সাথ ঢোল বাজাকর ও গানে গাকর আপনা নামাঙ্কন প্রস্তুত কিয়া। কি অবস্থা হবে সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। আমি নিজে আমার নিজের আধ ঘন্টা লাগলো মানুষের স্বতঃপূর্ততা, কর্মীদের নেতৃত্বে সমস্ত আমার যা বারাবলী বিধানসভার সমস্ত আমাদের যারা কর্মী আছে তারা খাটছে এভরিডে, প্রতিদিন পার্টিকে জেতাবার জন্য কাজ করছে, তারা আজকে আবার এসছে এখানে। তো খুশি লাগছে যে সবাই একসাথে খবর মানে ভোরের মাধ্যমে খবর কর্মীদের নেতৃত্বে এত সুন্দর উৎসাহ, এত ভালোবাসা, সত্যিকারের মানে এটাই কাম্য। আর কোনো প্রচার আমার প্রচার আমি গোটা বছরে মানুষের সাথে ছিলাম, কাজ করেছি প্রায় প্রতিটি গ্রামে, আমার 4-5 বার করে ঢোকা হয়ে গেছে। আর কিছু গ্রাম বাকি আছে আমার যেগুলো হয়তো কন্টিনিউ করতে, সেগুলো বারাবণীতে উন্নয়ন কত পার্সেন্ট হয়েছে এখন অবধি? পার্সেন্ট বলতে পারবো না, আমার কিছু কিছু জায়গায় একটু আধটু গ্রামাঞ্চলে, একটু আধটু যারা নতুন বাড়ি করেছে যে সাইডে করেছে সে রাস্তাঘাট বাকি আছে। কলটা, জলটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল আমার বারাবণী বিধানসভায়। তো মাঝিয়ারা যে প্রকল্পটা হয়েছে, আমরা প্রায় প্রতিটি গ্রামে আমরা জল ঢুকিয়েছি, কিছু কিছু পাড়ায় বাকি আছে, যে কারণে মানুষ এতদিন পরে জল পাচ্ছে, আমাকে বিভিন্ন জায়গাতে ফোন করছে আমার পাড়াতে কবে ঢুকবে আমার পাড়াতে। আমি সব মানুষকে বলবো আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সবার বাড়িতে জল ঢুকে যাবে, একটু ধৈর্য ধরুন। বারবণী ব্লক কংগ্রেস কে উম্মীদবার নরেন্দ্রনাথ বাগচি আজ সুবহ সে হি গ্রাম পঞ্চায়েত মে কই সংস্থানো পর চুনাব প্রচার কর রহে হ্যায়। কংগ্রেস নেতা সুধাকর দত্ত আর মাকপা নেতা কমরেড অসীম ব্যানার্জি নরেন বাবু নে কাহা কি উনে উম্মীদ হ্যায় কি লোক ইনহে ভোট দেঙ্গে। বারবণী সে মনোজ শর্মা কি রিপোর্ট। দাদা প্রচার করতে যাচ্ছেন তো আপনি বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়ছেন কি এরকম? না আমার কাছে কোনো বাধা বিপত্তি নেই, এলাকার মানুষ আমাকে চেনে, এলাকার মানুষ আমাকে জানে, আমাকে বাধা বিপত্তি করার মতো ক্ষমতা কারো নেই। रांची देवघर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। आसनसोल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए रांची देवघर के बीच एक दैनिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। 03320 रांची देवघर स्पेशल 7 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक रांची से प्रतिदिन 3:20 बजे खुलेगी और उसी दिन 22:05 बजे देवघर पहुँचेगी। जसीडी में इस ट्रेन का प्रस्थान समय उसी दिन 21:15 बजे है। 03319 देवघर रांची स्पेशल 8 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक देवघर से प्रतिदिन 4:45 बजे खुलेगी और उसी दिन 12:50 बजे रांची पहुंचेगी। जसीडी में इस ट्रेन का प्रस्थान समय उसी दिन 5:15 बजे है। सांगतोड़िया डीसरगढ़ नदी घाट स्थित बाबा दामोदर नाथ शिव मंदिर में स्थानीय महिलाओं ने शिव चर्चा का आयोजन किया। इसमें भगवान शिव के भावनापूर्ण गीत महिलाओं ने प्रस्तुत किए, संध्या प्रसाद वितरण किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र की काफी संख्यक महिलाएं प्रत्येक सोमवार को उपस्थित होकर शिव चर्चा में भाग लेती हैं।
पार्वती देवी, सुषमा प्रसाद, गीता सिंह सहित अन्य महिलाओं का कहना है कि शिव ही हमारे गुरु हैं और हम सभी उनके भक्त हैं। शिव की पूजा आराधना करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है और मन भी प्रसन्न रहता है। शिव की आराधना से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है तथा भीतर की आत्मा पवित्र हो जाती है, जिससे किसी भी कार्य को करने में बहुत ही आनंद और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है शिव की पूजा करने वालों को मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। शिव भक्तों को शिव की दया हमेशा मिलती रहती है। रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 38 नंबर आगामी रानीगंज विधानसभा चुनाव में वार्ड तृणमूल कांग्रेस की पहल। तृणमूल कांग्रेस के 36 नंबर वार्ड 43-44 तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बैनर्जी ने बूथ में शलंगा मुंगीपाड़ा रानीगंज पल्ली सेवा समिति के परिसर में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रमुख नागरिकों के साथ एक चुनावी बैठक की। वड़ा और रक्सौल के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। आसनसोल, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए 13043 अथवा 13044 हावड़ा रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस की 03043 तथा 03044 स्पेशल ट्रेन के रूप में पुनर्बहाली की जाएगी। 03043 हावड़ा रक्सौल स्पेशल ट्रेन अगले आदेश जारी होने तक 14 अप्रैल 2021 से हावड़ा से अपने नामित दिनों बुधवार और शुक्रवार पर 13043 अप के अनुरूप चलेगी और 03044 रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन अगले आदेश जारी होने तक 15 अप्रैल 2021 से रक्सौल से अपने नामित दिनों गुरुवार और शनिवार पर 13044 अप के अनुरूप चलेगी। 03043 हावड़ा रक्सौल स्पेशल हावड़ा से 22:55 बजे खुलेगी और अगले दिन 13:35 बजे रक्सौल पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय अगले दिन 2:42 बजे है। 03044 रक्सौल हावड़ा स्पेशल रक्सौल से 21 बजे खुलेगी और अगले दिन 12:20 बजे हावड़ा पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय अगले दिन 8:15 बजे है। आज का सुविचार। कोई भी कह सकता है कि वे देखभाल करते हैं, लेकिन उनके कार्यों को देखें, ना कि उनके शब्दों को। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।